Good morning, students. Today we start. What is government? Okay. What is a government? What is meaning by government? आप imagine करो कि government means हमारी family. Like अब हमारी family कौन चलाता है? Who is the head of our family? Grandfather or father, है ना? तो अपनी फैमिली का हेड कौन होता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाता है, और सबकी फैमिली भी अलग अलग होती है. किसी के फैमिली में जो ग्रैंडफादर है वो जिसकी जॉइंट फैमिली होती है तो वो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं. रूल्स रेगुलेशंस मीन्स क्या होता है कि भाई फैमिली में भी रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए. जैसे साथ खाना खाना है तो शाम को, या तो शाम को 7 बजे से पहले पहले आपको घर पे आना है. तो यही सारे रूल्स रेगुलेशंस है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो अब हमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है. गवर्नमेंट, व्हाट इज मीन बाय गवर्नमेंट? फैमिली तो हमारी, हमारे ग्रैंडफादर या फादर चलाते हैं, बट हमारा स्टेट, हमारी ये जो कॉलोनी, हमारी सिटी, हमारा कंट्री कौन चला रहा है? तो ये गवर्नमेंट चला रही है. जो हमारी छोटी छोटी नीड्स होती है लाइक पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे रोड्स, सिटी को क्लीन रखना, ये कौन सब कुछ करता है, कैसे करता है, उनके पास मनी कहाँ से आता है, इनको सबको मेंटेन करने में, आज हम यही सब इसमें पढ़ेंगे. ओके, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस. अब आपको मैंने गवर्नमेंट तो बता दिया क्या होता है. गवर्नमेंट हम में से ही कुछ लोग होते हैं जो एक ग्रुप बना के समाज के लिए काम करते हैं. अब उनके काम क्या है, क्या काम करते हैं वो? इट्स मेक्स लॉ एंड एंश्योर दैट दे आर फॉलोड. वो लॉज बनाते हैं और एंश्योर करते हैं कि वो भी फॉलो करे जाए. इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल बाय डिफेंडिंग देम फ्रॉम अटैक्स बाय फॉरेनर्स. उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना फॉरेनर्स से. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री थ्रू द पुलिस एंड कोर्ट्स ऑफ लॉ. द गवर्नमेंट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द ऑल अराउंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. इट बिल्ड्स रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स एंड रन स्कूल्स, हॉस्पिटल, रेलवे एंड द पोस्टल सर्विसेस. ओके, मेनली यही चीजें आती है. लाइक हमारे नीड्स कौन फुलफिल करता है? हमारी फैमिली, हमारे फादर, हमारे ग्रैंड फादर और हमारी मदर. तो हमारी जो ये घर से बाहर की जो नीड्स होती है, लाइक हमें स्कूल्स चाहिए होते हैं, हमें हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं, हमें रोड्स अच्छे चाहिए होते हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए डैम्स बनाने होते हैं, तो ये सब कुछ कौन करता है? ये गवर्नमेंट करता है. ठीक है ना. अब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अब ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स, लाइक बॉडी, गवर्नमेंट की बॉडी कौन है, है ना? तो लॉज आर मेड बाय द लेजिस्लेचर विच इज लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मीन्स विधान मंडल. अगर आप हिंदी में ऐसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो जो हमारे लॉज बनाता है वो कौन होगा? लेजिस्लेचर मीन्स विधान मंडल. द एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस द फंक्शन ऑफ एनफोर्समसिंग द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर व्हाइल द जुडिशरी सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द पीपल. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. अब एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो कार्यपालिका, जो कार्य करती है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिए, उनका काम है लॉ बनाना. देखो हर एक किसी का काम होता है. लाइक आप ये करो कि पापा का क्या काम है या फादर का क्या काम है, वो बाहर जाके काम करके आते हैं. अब नॉट नेसेसरी कि वही ये सब कुछ करे, मम्मा भी कर सकती है, मम्मी भी बाहर जाती है काम करती है, बट फॉर एग्जाम्पल वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, फिर उसी से उनकी सैलरी आती है, फिर वो लॉज बनाएंगे, फिर उसको कौन ये करेगा? मदर है या जो अदर फैमिलीज है, लाइक हम है, तो हम क्या करेंगे? उसको एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, कार्यपालिका, उसको एग्जीक्यूट करना. और इट डिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. अब जुडिशरी, जुडिशरी क्या होता है? जो हमें न्याय दे, लाइक जस्टिस दे. अगर कुछ गलत हो रहा है हमारे सोसाइटी में या हमारे राइट्स छीन रहे, लाइक कोई इक्वालिटी की जो हमारा राइट है, जो समानता का हमारा राइट है, अगर हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक हॉस्पिटल्स है या स्कूल्स है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है या हॉस्पिटल्स में आपको इलाज नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ये जुडिशरी है जो हमारे जो ये इक्वालिटी का जो हमारा अधिकार है, तो उसको, जो हमारा राइट है, तो उसको वो उनको सजा दे जो आपके अधिकार को फुलफिल नहीं कर रहे. ओके, अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के? लाइक द लोकल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट.
अब लोकल गवर्नमेंट कौन होगा बताओ? लोकल गवर्नमेंट में जो हमारे पंचायती राज है, जो पंचायत, देखो इट मींस दैट सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूड विलेज, है ना, गांव में, गांव से स्टार्ट होता है लोकल, विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपलिटी एक्सेट्रा. द विलेजर्स एंड द पीपल ऑफ टाउन्स गेट अ चांस टू टेक पार्ट इन द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द विलेज और टाउन. इट प्रोवाइड्स बेसिक एमिनिटीज टू द सिटीजन्स ऑफ अ विलेज और अ टाउन और एन अ सिटी. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें लोकतंत्र है. लोकतंत्र मीन्स लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनाव, मीन्स हम ही उनको चुनते हैं. और किसके लिए चुनते हैं? हमारे लिए चुनते हैं. तो वो होता है डेमोक्रेसी. लाइक हम अभी आगे इस बारे में और डिटेल पढ़ेंगे. तो ये स्टार्ट होता है हमारे गांव से, छोटी छोटी सिटीज से लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट होता है. फिर लोकल गवर्नमेंट जो अगर हमने जो चीजें हमने जिनको हमने गांव से चुना है, हमारे एरिया से चुना है, सिटीज से चुना है, वो सारे मिलकर किसको चुनेंगे? स्टेट गवर्नमेंट. ओके, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? लाइक अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट में हमारे जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? अशोक गहलोत है. तो उनको हमने सबने मिलके चुना है. हमने सबने मिलके मतलब क्या? हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने उनको चुना है, क्योंकि हमने उनको चुना और उन्होंने मुख्यमंत्री को चुना. ठीक है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसका ध्यान रखेगी? ऑफकोर्स स्टेट का. वो स्टेट तक लिमिट होता है उसका, है ना. जो राइट्स होते हैं वो उनके स्टेट्स तक होते हैं. फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स हमारे प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी जी. तो जो वहां तक दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट. अब लॉ ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस. दिस इज द ओनली वे फॉर स्मूथ फंक्शन बाय द गवर्नमेंट. इट वॉज होप दैट सिटीजन विल फुलफिल देयर ड्यूटीज willingly or by force. अब देखो लॉज, जो लॉज बनाए जाते हैं वो सिटीजन्स को, मीन्स हमको या नागरिक को, वहां पे जो रह रहा है, या आप किसी एरिया की बात करो, या स्टेट की बात करो, या फिर इंडिया की बात करो. अगर आपको आप उन इंडियंस हो, तो इंडियंस के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, you must follow these laws. If you are not, तो आपको willingly means आपकी इच्छा के अनुसार आप उसको follow करो, otherwise by force, या आपको forcefully भी वो करवाने पड़ सकते हैं. For example, there is vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can entirely be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decision is not much use. Basic laws देख लो. आप अगर गाड़ी चला रहे हो, आप above 18 होना जरूरी है आपके लिए. आपके पास license होना जरूरी है. आपके helmet पहना होना जरूरी है. आपके पास पॉल्यूशन के जो पेपर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. आपके पास इंश्योरेंस के पेपर होने चाहिए. तो ये उनके लॉज है. अगर आप ये लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको फोर्सफुली भी करा जा सकता है, आपको फाइन लगाया जाता है. अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो आपको पुलिस पकड़ लेती है, ट्रैफिक पुलिस है, और आपको फाइन लगाती है. तो यू मस्ट, हेलमेट आपको पहनना ही पड़ेगा. अब टाइप ऑफ गवर्नमेंट. अब अलग अलग टाइप्स भी होते हैं गवर्नमेंट के. हमारे इंडिया में तो कौन सा गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी. तो व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कम्युनिटी इटसेल्फ गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर. तो डेमोक्रेसी क्या होता है? कि वहां के जो लोग हैं वो खुद उस गवर्नमेंट को पावर देती है. आप रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, लॉज बनाओ, हमारे राइट्स बनाओ, वो खुद उनको चुनती है. ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल. इट इज फॉर देम एंड इट बिलोंग्स टू देम. डेमोक्रेसी इज बिल्ट अराउंड टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, फ्रीडम एंड इक्वेलिटी. अब डेमोक्रेसी में मेन चीजें क्या है? एक तो फ्रीडम है और इक्वेलिटी. इक्वेलिटी मीन्स समानता, समान हक, सबको समान हक. आप लड़का हो या लड़की हो, आपका क्या एज है, आप जवान हो या बूढ़े हो, आप कौन से कास्ट से हो, डजंट मैटर. आप इक्वालिटी मीन्स आपको हर चीज में बराबरी का हक मिलेगा. ओके, और फ्रीडम, आजादी.
आप भारत में रह रहे हो, आप आजाद हो, आपको हर चीज करने की आजादी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज मोनार्ची। व्हाट इज मीन बाय मोनार्ची? हमने डेमोक्रेसी पढ़ लिया ना, नेक्स्ट मोनार्ची। मोनार्ची मीन्स आप सिंपल सा ले सकते हो इसका मीनिंग कि राजा, राजा महाराजाओं का जो चला आ रहा था हमारे पहले के जमाने में, अब नहीं है वो, पहले जो चलता आता था वो था मोनार्ची। तो मोनार्ची में क्या होता था, राजा रानियां जो है वो हम पे राज करती थी, वही रूल्स रेगुलेशन बनाती थी, वही लॉज बनाती थी, हमारे लिए कोई इक्वालिटी नहीं थी, ना फ्रीडम था, वो जैसे बोलते थे वैसे हमें करना पड़ता था, उनको टैक्सेस भी देने पड़ते थे। इसके लिए रीड करते हैं हम, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ मोनार्ची। द मोनार्ची किंग्स और क्वींस वर वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल एज दे लेड द एडमिनिस्ट्रेशन देमसेल्फ, दे वर गाइडेड बाय देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, ये जरूर है कि उनके अंडर जो काउंसिल होते थे, मिनिस्टर्स होते थे छोटे छोटे, वो उनको सजेशन देते थे, काउंसिल सजेस्ट करना उनको। मोनार्ची वर ऑफ हेरेडिटरी and the reigning kings often nominated their successors. The states were governed by the kings who were as usual the center of all military, political, administrative and judicial power of the kingdom. सारा सब कुछ military है या political कुछ rights है तो वो सब कुछ कौन करता था, राजा के ही हाथ में सब कुछ था। Okay. Till now, in all aspects, king were the almost authoritarian rulers. Example, the kingdom of Nepal. ये अभी तक नेपाल में कुछ few years तक ये मोनार्ची वाला जो government चल रहा था, यही चल रहा था. Right? Till now, it was a kingdom, but now it has been converted into a democratic country. अब पहले वो इसमें मोनार्ची ही था, पर अब जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में बदल चुका। नेक्स्ट एंड लास्ट डिक्टेटरशिप। ओके, डिक्टेटरशिप मीन्स अब इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है, डिक्टेटरशिप का मीनिंग है तानाशाही। तानाशाही सुनते ही आपको फर्स्ट नाम याद आना चाहिए, हिटलर। ओके, फर्स्ट नाम आपको क्या याद आना चाहिए, हिटलर ऑफकोर्स, है ना। तो डिक्टेटरशिप इज अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एन इंडिविजुअल रूल्स द स्टेट्स विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल फॉर हिज एक्शंस। ओके, एडॉल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी वाज वन सच अ डिक्टेटर हु प्लग्ड द वर्ल्ड इनटू सेकंड वर्ल्ड वॉर। तानाशाही सुनते ही हमें क्या याद आता है, तो हिटलर। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हमने देखे, टाइप्स हमने देखे, अब उसको हमें देखना है कि ये सब जो पैसा वगैरह है कहाँ से लाता है गवर्नमेंट, जो हमारे रोड्स बनते हैं, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी का तो हम बिल भरते हैं, वाटर का भी बिल भरते हैं, और जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, हॉस्पिटल्स हैं, जो रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, तो ये कहाँ से, गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाता है इनका। लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स है तो वहाँ पे तो फीस नहीं लेता ना गवर्नमेंट, ना हॉस्पिटल्स में आपको चेक करने के पैसे लेता है, तो ये गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाता है। तो लेट्स सी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरी सिटीजन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट और ऑफ रेस। और रेस, पॉलिटिकल इक्वालिटी इम्प्लाइज दैट डिस्पाइट डिफरेंसेस एवरी सिटीजन विल हैव वन वोट। अब ये तो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें डेमोक्रेसी है, तो वन वोट पर अगर कोई मीन्स लाइक अमिताभ बच्चन को ले लो, अमिताभ बच्चन वोट देने जा रहे हैं और मैं वोट देने जा रही हूँ, तो हमारे वोट में इक्वल होगा, उनकी वोट की वैल्यू भी इक्वल होगी, मेरे वोट की भी वैल्यू इक्वल होगी। ये नहीं है कि वो अमिताभ बच्चन है तो उनके वो जिनको वोट करेंगे तो उनको ज्यादा वोट्स मिलेंगे। नो, मैंने पहले ही बताया, लड़का लड़की, गरीब, आप बहुत अमीर हो या किसी अदर कास्ट से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, द डे ऑफ गवर्नमेंट कैनॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, एक ये जरूर चीज है, देखो इक्वालिटी तो है डेमोक्रेसी में, क्या है इक्वालिटी है, पर वोट भी कौन देगा, ये भी एक तय है, वोट कौन देगा। अब ऐसे तो है नहीं ना कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जाके वोट दे दें, तो
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ये जब राजीव गांधी से स्टार्ट हुआ था। पहले एज क्या थी हमारी वोट देने की? 21। जब आप 21 के हो जाओगे तो आप जाके वोट दे सकते हो, आपकी गवर्नमेंट चुन सकते हो। बट जब राजीव गांधी प्रधान भी बने थे हमारे देश के, तब उनके काल में ये एज जो है कम कर दी गई थी, 18 ईयर्स कर दी गई थी। ओके, तो अब हमारी जो एज है, तो आप ये मैटर नहीं करता है कि आप अमीर गरीब हो या कोई अदर कास्ट से हो, या लड़का हो या लड़की हो, बूढ़े हो जवान हो, नो। बट सिर्फ एक मैटर करता है कि आप 18 या 18 के अबाव होनी चाहिए, तो ही आप वोट कर सकते हो। ओके, एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास और सेक्स। देयर शुड बी नो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और एजुकेशन ऑल्सो ओनली। अब ये भी देखो, एजुकेशन भी मैटर नहीं करता है वोट देने में। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी, अगर आप 18 या 18 के अबाव हो तो आप उसको वोट दे सकते हो। एजुकेशन भी यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। ओके, फिर वुमन सफरेज, महिला अधिकार, महिला मताधिकार, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले महिलाओं का अधिकार नहीं देते थे वोट देने के लिए। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्या है? लेट्स रीड। गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड हैव नो नॉट विलिंगली शेयर्ड पावर। दिस इज ट्रू ऑफ वेरियस यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएसए दैट वुमेन एंड द पुअर हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। लेट अस एक्सप्लेन इट। देखो, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जिनको आज हम इतने रिस्पेक्ट से कह सकते हो, या एक प्राउड से देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका जैसी एजुकेशन में हो या किसी भी फील्ड में हो, कितनी आगे है वो कंट्रीज। बट इन कंट्रीज में भी आगे पहले वुमेन्स को, महिलाओं को या गरीबों को मताधिकार मत देने का या वोट देने का जो राइट है वो नहीं था। वो अब कैसे उनको मिला? द सफ़रजेंट मूवमेंट, उनको भी आंदोलन करने पड़े हैं इन चीज़ों के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ी है महिलाओं को भी। द सफ़रजेंट मूवमेंट वॉज अंडरटेकन बाय द वुमन ऑफ इंग्लैंड टू ऑब्टेन द राइट टू वोट। द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी इन ग्रेट ब्रिटेन स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके, द मूव फॉर वुमेन टू हैव द वोट हैड रियली स्टार्टेड इन 1897 बाय मिलसेंट फ्रैंकलिन, हु फाउंडेड द नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन सफरेज NUWS। ये उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने मताधिकार के लिए बहुत लड़ाई करी थी, के लिए महिलाओं के लिए। ओके, द सफ़रेज मूवमेंट गेन नेशनल अटेंशन इन 1906 व्हेन अ ग्रुप ऑफ 300 रिप्रेजेंटेटिव आर्ग्यूड फॉर वुमन सफरेज विद द प्राइम मिनिस्टर। द फुलिश रिमार्क्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फोर्स देम टू रिसॉर्ट टू मिलियंट मूवमेंट। द सफ़रेज मूवमेंट नाउ स्प्लिट इंटू टू मेजर फैक्शन। The NUWS restricted itself to peaceful democratic and petitions, while the WSPU turned million. Okay, तो इन्होंने इस तरीके से जब बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह चलाया तब महिलाओं को अधिकार मिला है। अदरवाइज जो आप कह रहे हो इक्वालिटी, पहले इक्वालिटी नहीं थी। अगर आप गरीब हो या आप महिला हो तो आप वोट नहीं दे सकते थे, पर इस इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए हमने बहुत लड़ाई करी है, तब जाके हमें ये चीज मिली है। ओके, अब हम एक चीज हमारी रह गई कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो वर्क करता है, जो इसके फंक्शंस है, तो ये पैसा कहाँ से लगता है? लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, डैम्स वगैरह बनाता है, तो इन सबके लिए पैसे हम कहाँ से लाते हैं? तो ये है कि गवर्नमेंट जो हमसे टैक्सेस लेता है, राइट, जो टैक्स लेता है हमसे पर ईयरली। अगर आप पापा को पूछोगे आपके कि भाई टैक्सेस क्या होता है, आप टैक्सेस पे करते हो या नहीं करते हो, तो जो हमारे टैक्सेस लिए जाते हैं, अगर आप महीने के कुछ कमा रहे हो, लाइक आपकी कुछ सैलरी है, लाइक आपका एनुअल इनकम, मतलब आपका सालाना इनकम क्या है, उस पर डिपेंड होता है कि आपका टैक्स आपको कितना भरना है। ठीक है, तो अगर आप 100 रुपीज कमा रहे हो तो उसमें से भी आपको, एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज भी आपका एनुअल इनकम है, तो उसमें से भी कुछ आपको गवर्नमेंट को देना है। हाँ, वो भी उन्होंने लिमिट कर रखी है कि कितने ऊपर आपकी इनकम हो तो आपको टैक्स पे करना है, तो ये
ये जस्ट फॉर लाइक 3 to 4 lakh के अंडर अंडर अगर आपको एनुअल अगर आपके पेरेंट्स का इनकम, तो आपको टैक्स शायद नहीं भरना है. उसके ऊपर जो है और जो बड़ी बड़ी जॉब्स वगैरह भी अगर हम होते हैं, अगर हम गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट थ्रू हमें सैलरी मिलती है, पर उसका भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स काटेगी. बिकॉज वो अदर फैसिलिटीज आपको दे रही है ना, वो कहाँ से प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट आपको, यहीं से ही, राइट? तो वो टैक्सेस आपसे लेके फिर ही आपको वो ये जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल कराती है. ओके, नाउ एक बार हम देख लेते हैं इसके जो रिविजन टाइम है. इन विच ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकम ऑपरेटिव, विच ईयर? 1950. ओके, द ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री इज नोन एज गवर्नमेंट. देखो, कोई ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री इज नोन एज, मीन्स गवर्नमेंट होता क्या है, मैंने आपको बताया जो हम में से ही है वो एक ग्रुप बना के हम उनको चुन के रिप्रेजेंटेटिव बन के, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन के उनका एक ग्रुप जो है वही गवर्नमेंट कहलाता है. तो क्या कहलाता है? गवर्नमेंट. ओके, थर्ड वन इज हु इज ऑफिशियल हेड ऑफ द कंट्री. ऑफिशियल हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है हमारा? तो प्रेसिडेंट. आपको प्रधानमंत्री जी है, राइट? बट ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दो चीजें होते हैं. पर जो देखो मेन जो आप कह सकते हो कि जो आपके पास कंट्रोल पावर होता है वो किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास. बट जो ऑफिशियली जो कॉल होता है, ऑफिशियल हेड ऑफ द कंट्री, तो वो कौन होता है? प्रेसिडेंट. अब आप एक ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द वोट एज इन आवर कंट्री. अभी मैंने आपको समझाया कि हमारे कंट्री में क्या एज है, 18 है. पहले कितनी थी? 21 थी, ठीक है, बट उसको चेंज करा करा और 18 किया गया. ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू.